तो भाई राम राम सर ने आज हम आपको मिलेंगे एक हमारे ताऊ जी भाई, इनसे बात करने वाले हैं। ये भाई कैमरी गांव के अंदर रहते हैं, तो हम यहाँ से कैमरी गांव में आज जा रहे थे भाई, रास्ते में हमको ये दिखाई देंगे तो सोचे भाई इनसे बात करते हैं और जानेंगे इनसे भाई ने गांव की कोई समस्या है कि नहीं है। कई भाई पानी की समस्या बोलते हैं, रोड की बोलते हैं, हेल्थ की भी बोल रहे हैं, एजुकेशन मतलब की सारी समस्या बोल रहे हैं गाँव के अंदर। तो इनसे बात करेंगे उन बातों में कितना दम है और खेती में भाई क्या सीन चल रहा है आजकल, कमाई है कि नहीं है, इनका अनुभव क्या रहा खेती को लेके, और क्या नौजवान को बोल रहे हैं कि उनको खेती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आज के टाइम पे। तो मिलते हैं इनसे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ऊपर है क्यों ऊंचा बोलो, ठीक है? अच्छा, आपका नाम बताओ। नाम मेरा हरि सिंह है जी। अच्छा, कैमरी गाँव तो कैमरी गेम काम से। अच्छा, पहले तो काम की समस्या बता दो, कौन कौन सी है जो दूर कौन होने लग रही, इतने साल हो गए गाँव की। गांव की के समस्या आई, रोड तो बन रहा थी ठेठ ताई का। अच्छा, और के खेती बाड़ी हो है, ठीक है, खेती बाड़ी में ये पैदावार तो कम आई भी। अच्छा, जो नुको गांव में पानी पीने का आंदा को ना बनाए वीडियो एक दो आवे पानी तो आवे, वाटर बॉक्स है। अच्छा, पानी बढ़िया पीने का, नहर का पानी है टूटी का। अच्छा, देखो भाई जो कैमरी काम तेन बोल रहे हैं कि भाई पानी बढ़िया गुना था, पानी बढ़िया ताऊ जी के हिसाब से। अच्छा, कितना टाइम पानी आवे है जी? कितना टाइम पानी आवे, मैं पकड़ लूँ तो आधे घंटा आता है रोज। हाँ, रोज एक दिन छोड़ के एक दिन आवे। एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन आ भाई पानी पीने का। तो ऐसा कुछ कितने किलो खेती करा करो आप? खेती 10-11 किलो जमीन है जी। 10-11 किलो की जमीन। अच्छा, उसमें कितना खर्चा है आपका? खर्चा तो इन्होंने खेती में लग ही है। कितना खर्चा तो नहीं लग गया यार, खाद बीज रडंगार बाजी दो तीन कट्टा गेरना पड़े और पैदावार कम ही होगा वैसे। अच्छा, क्या बात। एक उस टाइम पर आप खेती कराया करते नहीं, उस खेती में और आज खेती में घना फर्क है आपके, है नी? हम तो खल ले भी हुआ नहीं, वे बीज नया चल गया नहीं अब हाइब्रिड। अच्छा, उसकी वजह से ठीक है वैसे। अच्छा, उस टाइम पे कैसे खेती होया करते उसके बारे में बताओ नहीं कुछ मामले कि आजकल और उस टाइम की खेती में कितना फर्क है आपके हिसाब से? ये मशीनरियां हो जाए खेती सारी चीजें, दाना निकालना हो तो थ्रेसर चल रही है और ढोने के लिए ट्राली हुआ है, सारी चीज है। पहले तो रेड वाम ढोया करता। अच्छा, और गाया करता, गा के काटा करता, फड़ा फड़ा लगा के बीना बहुत ठीक है। अच्छा, उस टाइम तो आप बड़द होंगे हो गए नहीं? हाँ, बड़दा। अच्छा अंकल जी ने बताओ, हमने उस समय कौन देखा बड़दाड़ा, आपने देखा, आपने करीबी है जब आज इस कंडीशन में सही चल लो आप नहीं आज वाले तो मतलब कि 50-60 साल में जय सियाराम हो ले हैं और आप आज भी इस कंडीशन में हो। जय सियाराम लोहे लाग रहा सारा ना, नानू तो जी हो गया 10-11 साल, तो जी साहब तो आपकी कंडीशन है सही चल लो, उठे बैठे हो तो उस टाइम के बारे में बताओ नहीं, आप के खा कर दे के पिया कर दे कुकर बढ़ता था कुकर खेती कराया करते और मैं के खा करते उसके बारे में बताओ नहीं दो एक मिनट। पहली मान ले इब चीखना चाकना अच्छा खाया करता, पहली ये बीमारी ज्यादा चल गई, कोई बीपी हो जाए कोई और अदरंग मार जाए ऐसे हो जाए बीमारी, पहले ठीक था शरीर काम करने के लिए, इब खाना पीना जेर का हो गया ऐसा ही, उसकी वजह से बीमारियाँ बहुत होगी। अच्छा, बीमारियाँ बहुत हो गई हैं। हाँ, बीमारियाँ बहुत है, इसकी वजह से तो अधरंग आता है और कोई आधी उम्र में चला जाता है। आ जा। आज के टाइम किसी ने खेती करनी चाहिए अंकल जी, फिर आज किसी ने खेती करनी चाहिए आज के टाइम पे नौजवान ने फिर? ना, ये भी कौन करे, ये पढ़ाई करके कोई कोई सर्विस टोना था भाई जी। खेती में बचत तो नहीं। क्या बात, धन्यवाद आपने टाइम दिया। तो भाई देखो ये थे भाई हमारे ताऊ जी, जो कि भाई आपने भी देखे भाई दो एक मिनट में इन्होंने बताया भाई, जितना इनको नॉलेज थी इन्होंने बता दिया कि गांव की कोई समस्या है नहीं किसी भी प्रकार की, जो ये मामले में एजुकेशन के मामले में सड़कें बढ़िया हैं,
सड़का है, अस्पताल है, सारी चीज है, सारी चीज भाई बढ़िया है। जो भाई नू इनके हिसाब तो भाई हर चीज बढ़िया है। तो ये बताइयो अगर आप कैमरी गाँव तो देखो भाई मारी है वीडियो, तो भाई आप मामला बताइए भाई तारा गाँव में यहाँ समस्या है और क्या फिर है कौन समस्या, तो आप भाई मामला दोनों भाई बताइयो कमेंट करके नीचे। तो भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके भाइयों क्या करना है, अपने सब्सक्राइब करना है।